वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दानिश भाई देवनार में खड़े क्या? छोटा देवनार माशाल्लाह, जहाँ देखेंगे वहाँ बकरे। ये है दानिश भाई का पर्सनल देवनार। दानिश भाई, जो अंडू बकरे थे यहाँ पे पागल मंडी के, वो है कि खत्म हो गए? है, कुछ अंडुल है उसमें। अंडुल है, बाहर भी अच्छे अंडुल खड़े हुए। हम लोग अंडुल अंदर के फार्म पे ही रखे हैं, एट ए टाइम 5 अंडुल 6 अंडुल ला के बांध रहे हैं। इस साल खस्सी ज्यादा लाए हैं और खस्सी का काम जैसे कि मैं बताया था करने वाले अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह, तो वो काम चल रहा है अपना। तो अंडुल पे थोड़ा सा स्लो किया अंडुल, बट अंडुल अभी भी अपने पास अवेलेबल है और सब मेंटल अंडुल। मनीष भाई, जो अपने सोजत का लॉट था वो उसमें बकरे बचे कि सोल्ड आउट हो गए? 60% माल वो सोल्ड आउट हो गया। ये देखो बकरे बाहर जा रहे, अंदर ले। 60% माल सोल्ड आउट हो गया सोजत में। तो जैसे मैं बताया था कि सोजत हम लोग स्टार्टिंग में जल्दी इसलिए लाए थे, जो प्रीमियम क्वालिटी के बकरे थे, तो कुछ अच्छे जो कस्टमर्स लोग लेते हैं कि जिनको शाइनिंग वाले व्हाइट बकरे चाहिए रहते, तो वो लोगों के लिए हम लोगों ने लाए थे एक लिमिटेड बकरे 45 गोट। माशाल्लाह उसमें से 60% बिक गए। और जैसे मैं बताया था कि जब सीजन एकदम आ जाएगा तब हम लोग लाल बकरे मिक्स बकरे लाएंगे जिसमें रेट कम रहेगा और सबको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो वो हिसाब से हम लोगों ने माल लाए। इसमें ये लॉट में कितने बकरे टोटल? टोटल ये लॉट में बकरे है हमारे 165 बकरे। 165 बकरे, 165 गोट्स है इसमें। इसमें अंडू खस्सी मिक्स है। 165 बकरे दो इसमें अंडू खस्सी मिक्स है क्या? अंडू इसमें लिमिटेड है, लगभग 20 अंडू लोग हैं जो हमने साइड किए हैं जी। बाकी खस्सी है। तो वेट वाइज क्या वेट से क्या वेट वाइज है? इसमें मिनिमम से मिनिमम बकरा अपने पास 40 किलो का है। अच्छा। और मैक्सिमम 120 किलो का है। 120 किलो का मैक्सिमम है। और माशाल्लाह अभी आपके आने के टाइम भी हम लोगों ने वो बकरा बेचा। अच्छा, वो बकरा अभी गया कुरला, हमारे एक रेगुलर कस्टमर है उनके यहाँ पर गया। तो माशाल्लाह इसमें सब रेंज का माल है, छोटे से छोटा बकरा भी है, जो लो बजट कस्टमर्स होते हैं तो उनके लिए भी है, और जो बड़ा बकरा लेना चाहते हैं उनके लिए भी, तो सारे बजट में बकरे बैठने वाले। तो ये दानिश भाई अपने को नख से मिलेंगे कि वजन से मिलेंगे? भाई ये तो अपने को वजन से मिलेंगे। वजन से मिलेंगे। तो क्या क्या इसका रहेगा प्राइसिंग? ये बकरे हम लोगों ने दो रेट डिसाइड किए। अच्छा। छोटे बकरे जो है वो हम लोग दे रहे हैं 450 से। 450 से जी। ओके। और बड़े बकरे जो है 500 से। 500 से। और जो 40 केजी 35 केजी के बकरे हैं जी, वो हम लोग दे रहे हैं 420 रुपये। ओके। जैसे अभी ये सामने एक आध बकरा देख लेते, माशाल्लाह ये बकरा है, अब ये 80 किलो होगा लगभग। 80 किलो का बकरा है दानिश भाई। वैसे ये कौन सा, ये भी सिरोही में है कि क्या है? ये देसी में बोलूंगा, देसी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत गोल बच्चा है। ये सब फार्म राजस्थान के फार्म पे पले हुए बकरे, सेड बकरे। अच्छा। एक मिनट, ए रजीउल्ला। दानिश भाई, मिनिमम से मिनिमम 420 आपने बोला, तो इसमें 350 तक के रेंज में बकरे नहीं है? भाई 350 में तो मेरे हिसाब से माल कहीं पर भी नहीं है, और 350 380 में जो माल आता है वो क्वालिटी अलग होती है। जैसे अभी ये बात पे मैं एक बात याद आ गई क्वालिटी के ऊपर से, मैंने एक लास्ट वीडियो में किसी के चैनल पे मैंने बोला था कि बकरों की क्वालिटी में फर्क बताया था मैंने कि लाल बकरों में भी क्वालिटी आती है, कुछ लो क्वालिटी आती है और कट्टू बकरे कुछ आते हैं। अच्छा। तो हमारे एक भाई को बुरा लग गया था, हमारे सीनियर है वो। अच्छा। तो उनको एक गलत फहमी हो गई थी कि कट्टू बकरे उनके उनसे रिलेटेड हम लोगों ने बोले। मुमरा में क्या होता है कि कट्टू बकरों का बहुत माल आता है। आज से नहीं, मैं मुमरा में बचपन से रहा हूँ, तो हम लोगों ने देखे महाराष्ट्र की साइड के उस्मानाबादी बकरे, ये बकरे वो बकरे बहुत सस्ते सस्ते मुमरा में आते, पर अक्सर ये भी हुआ है कि कुछ बकरे बीमार भी हो जाते फिर। तो मेरा बोलने का इंटेंशन ये था ये वो सब कट्टू बकरे होते हैं, मैंने किसी के फार्म से रिलेटेड बात नहीं किया था। पता नहीं हमारे बड़े भाई को जब भी कट्टू का नाम आता है वो अपने पे क्यों ले लेते, जबकि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा माल बेचते, मेरी नजर में बहुत क्वालिटी वाला माल बेचते। अच्छा। बट जब कट्टू का नाम आता है तो वो अपने पे क्यों ले लेते। उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाया, खैर मैं उनको बोलूंगा सीजन का टाइम है, अब गलत फहमी में मत रहो कि आपको कोई ट्रोल कर रहा है। किसी ने आके अगर आपके कान भरा है तो आप उसको साइड में करो और अपने काम पे फोकस करो। बहुत कंपटीशन है अब मार्केट में, तो काम पे फोकस करो, बिजनेस करो। माशाल्लाह आपका बिजनेस बहुत बड़ा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा मोटा है, तो काम पे ध्यान दो, किसी की बातें सुनने में ध्यान मत दो। हाँ। ये टाइम अब बातें सुनने का नहीं है, ये सीजन का टाइम है, फोकस करो। अफवाहें काफी चलेंगी दानिश भाई। हाँ। अब अगर मैंने कट्टू बोला तो ये आप क्या कट्टू रखते हो क्या? नहीं ना, तो फिर आप अपने ऊपर लेके ये बात क्यों कर रहे हो? खैर
लोगों की सोच है, अभी अपन उसको बदल नहीं सकते, अपन अपना काम कर रहे हैं। अपने क्वालिटी में फर्क बताए थे कि अच्छे लाल बकरे कौन से होते हैं, और कट्टू वाले बकरे आते हैं तो बहुत तरीके के कट्टू आते हैं, राजस्थान के कट्टू वगैरह आते हैं जो मुमरा में बिकते हैं, बहुत सस्ते बिकते हैं, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा हम लोगों ने भी लाए थे वो माल तो बीमार होता है। तो मेरा बताने का रीजन वो था, बस पता नहीं लेकिन कट्टू का नाम लेते ही कुछ लोग अपने पे क्यों ले लेते। तो खैर अल्लाह हिदायत दे। दानिश भाई वैसे यहाँ पे मेरी नजर गई थी, ये जो साइड में खड़ा है सबसे, ये भी माशाल्लाह काफी ह्यूज बकरा है, हैवी बकरा है। हाँ, लाल बकरों में जो बोला जाता है माशाल्लाह। थोड़ा लेट हो गए, तो वो 118 किलो वाला जो बकरा था जो अभी हम लोगों ने बेचे, वो बकरा आप देखते थे ना तो देखते थे। अरे वाह माशाल्लाह, शाइनिंग भी थी। दानिश भाई वैसे ये क्या रेट में मिलेगा लोगों को? ये जाएगा 490 तक। 490 तक, ठीक है। ये 490 रुपीस पर केजी मिलेगा। कितने किलो का दानिश भाई? 85 केजी। तो आप लोग कैलकुलेट कर, 80 केजी। उसके साथ उसके बाद में दानिश भाई इसमें इसकी क्वालिटी देखो भाई, चमक देखो माशाल्लाह। दानिश भाई ये सिरोही अजमेरा और ये क्या डिफरेंस रहता जरा बताएंगे? सिरोही लाल बकरा मेरा लगभग सेम ही होते, मेरे को इतना इसके बारे में डीप नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अंडुली बेचता हूँ और सेठ लोग के बकरे वाइल्ड बकरे भी बेचते हैं हम लोग। वैसे दानिश भाई ये तो हो गए सब बकरे माशाल्लाह, टोटल एक बार बकरे दिखा दो, आप लोग मंडी में आओ, मंडी का मजा लो। देवनार से पहले एक छोटा सा ट्रेलर ले लो। ये हम लोगों को एक मेरा ड्रीम था, अच्छा। कि मैं अपने मुमरा में एक छोटा देवनार बनाऊं। देवनार का मतलब क्या था मेरा, ये छोटा देवनार कि उसमें मैं देवनार आप जाते हो तो वहाँ पर आपको हर वैरायटी के बकरे दिखते हैं जी, हर तरीके का माल दिखता है, महंगा भी, सस्ता भी, एवरेज भी, एग्जॉटिक भी, अंडुल भी, खसी भी, कलर्स वाले भी, तो हर चीज मिलती है माशाल्लाह। तो वही हम लोगों का ड्रीम था कि हमारा फार्म पे, हमारे फार्म पे ना हर तरीके के मिले। तो हम लोगों ने एग्जॉटिक रखे, अंडुल खसी रखे, व्हाइट खसी, रेड खसी, मतलब जो जो लोगों की नीड है कट्टू छोड़ के सब रखे, सब रखे माशाल्लाह। और बहुत अच्छे बकरे दानी भाई, छोटा बकरा पकड़ के दिखाएंगे क्या? बकरा ये देखो व्हाइट मुंह वाला, उसको पकड़ेंगे। एक्चुअली बहुत भीड़ हो गई है, हाँ। और इसमें और माशाल्लाह कस्टमर आप लोग देख सकते हैं, कस्टमर्स की भी लाइन लगी हुई है। कुछ माल इसमें आज ही उतरा है, और कुछ माल उतर के 4 दिन और। दानिश भाई और भी माल आने वाला है क्या अपने भाई? आप दुआ करो इंशाल्लाह ताला कि जल्द से जल्द हमारा माल बिके। तो माल तो हमारा वहाँ पर रेडी खड़ा है, बस यहाँ से थोड़ा अभी तो लाल बकरे हम लोगों ने कल से ही बेचना शुरू किए जी। और रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का? मिला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत फास्ट सेलिंग है माशाल्लाह। मुमरा से भी लोग ले रहे हैं, मुमरा के बाहर से भी लोग आ गए परचेज करने। अरे वाह क्या बच्चा माशाल्लाह, गोल बच्चा एकदम देख सकते। दानिश भाई ये जो बकरे आपने सिलेक्टिव लेकर आए के लॉट में लिए थे? नहीं, ये तो लॉट में लिए। तो लॉट में भी माशाल्लाह हम लोगों ने ना राजस्थान में गांव में फार्म है प्रॉपर, अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं बकरों का, जिनको अच्छी नॉलेज है उनसे खरीदे, मतलब लोकल मंडी से या कोई वहाँ यहाँ वहाँ से नहीं लिया, हम लोगों ने प्रॉपर फार्म से लिए। अच्छा, तो दानिश भाई यहाँ तो आप सब बकरे, अरे वाह इसके पीछे वाला भी काफी अच्छा है, उसकी सिंग वगैरह देख सकते हैं, मुंडा भी बहुत अच्छा है। दानिश भाई छोटा बकरा बता देते हैं, मतलब 45-50 केजी का बकरा दिखेगा कैसे? हाँ, वो भी निकाल के बता। हम लोगों ने अभी तक ये सेपरेट नहीं कर पाए, बिकॉज आज सुबह ही माल अगर संडे है, मौका मिला नहीं और पब्लिक की भीड़ लगती है, हम लोग पूरे सेपरेट देंगे। अरे वाह ये देखो, ये 40-45 केजी होगा, लेकिन माशाल्लाह ये भी देख सकते हैं एकदम चमकीला बकरा, मतलब गोल बकरा है माशाल्लाह, सीना वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि कहीं से हड्डी दिख रही है, पूरा बकरा माशाल्लाह बना हुआ है। बकरे का आपको पेट ऐसा, जबकि आ जाए हुए बकरे, हाँ, बराबर से खाए भी नहीं, फिर भी इनके पेट आप देखो लेवल पे। ये मेरा इसमें बहुत पसंदीदा बकरा है, वाह माशाल्लाह। अगर ये अंडे का शायद नहीं तो रख लेगा, बड़ा बकरा है, दो दांत पे, अरे वाह माशाल्लाह। ये देखो बता दो दानिश भाई एक बार, अरे वाह, किसी को पालने के लिए अगर चाहिए होगा, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा डबल हड्डी का है, मोटा बकरा एकदम, और शाइनिंग लेंथ लेंथ बहुत अच्छी है। दानिश भाई ये वाला बकरा एक बार बता देंगे? ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, अंडुल, अंडुल वाला 40-41 साइज होगा। दानिश भाई ये भी पालने लायक बच्चा है अजमेरा में, इसको तो पालने लायक नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी एजेड बकरा है, 6-8 दांत का बकरा, तो इसको नहीं, वो बच्चा बहुत अच्छा है। और एक दो इसमें ना लाल बच्चे है जो 2-2 दांत पे 60-55 किलो के, अरे बहुत अच्छे अच्छे बकरे है इसमें। तो रेट डिस्क्रीम आप, रेट गुजरी भी बहुत बड़ा है जी, इसको पकड़ लेंगे माशाल्लाह, आप लोग बकरे देख सकते हैं। आज सुबह से हम लोगों ने अच्छे खासे अंडे दे दिए। दानिश भाई मुमरा में, मुमरा से जो लोग आ रहे हैं
उन लोग का काफी डिमांड रहता है कि अंडू के खस्सी कौन सा डिमांड रहता है वैसे देखने जाएंगे। अरे खस्सी का डिमांड ज्यादा है मुंबई में, खस्सी की डिमांड ज्यादा है एक्चुअली। अंडू के जैसे यंगस्टर्स है घर में एक बकरा अंडू और पांच बकरे खस्सी लोगों के जाते हैं, किसी के घर में एक बकरा खस्सी जाता है, किसी के घर में एक बकरा अंडू जाता है। तो माशाल्लाह मुमरा में भी हर बजट के कस्टमर है, इस वजह से हम लोगों ने इतना महंगा माल भी जो था वो भी लाया और सस्ता माल भी लाया क्योंकि हर बजट के कस्टमर। नाली में वैसे आपने सब माल तो यहाँ उतार दिए, तो देवनार में क्या लेके जाओगे? आप दुआ करो कि ये माल यहीं से बिक जाए, हम लोगों को यहाँ से देवनार जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो ये माल यहीं बेचेंगे। और वैसे भी अगर देवनार गए तो हम लोग जो हमारा अंडुल का बाड़ा रहता है मेंटल मंडी, तो वो स्टेज लगेगा इंशाल्लाह। कोशिश है हमारी कि हम लोग वो काम करेंगे, वो काम बाकी डिपेंड्स अल्लाह की मर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत बिजी हो गए, अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है, वीडियो बनाने का वक्त नहीं है, लोगों को जवाब देने का वक्त नहीं मिल रहा है। तो खैर देवनार में कोशिश करेंगे जाने इंशाल्लाह। और तो ये सब बकरे देख सकते दानी भाई, एक बार रेट प्लीज बता देंगे कि क्या रेट से है? 50 किलो के बकरे 420, 450, 490, तो ये 420 में 50 किलो के आसपास, किलो के अंदर, अंदर के बकरे 40 किलो 45 किलो 50 किलो के ऊपर का बकरा जो है वो 450 से मिलेगा और 490 से मिलेगा। तो माशाल्लाह हर रेंज के बकरे मिलेंगे आप लोगों को, हर क्वालिटी के माशाल्लाह देख सकते हैं। ये भी बकरा देखो, वो बकरा देखो व्हाइट वाला माशाल्लाह, एक बड़ा वाला गुजरी की जरा इसी चक्कर गुजरी व्हाइट मुंह वाला। तो दानिश भाई पीछे अरे वाह, ये भी माशाल्लाह काफी यूज है और बड़ी लेग। हाँ ये सब बकरे हैं ना दानिश भाई, इसमें मेरे को तो नहीं लगता वीडियो में समझ में आएंगे, और ये सब बाहर निकलेंगे ना जब सेपरेटली तब समझ में आएंगे बकरे, ऐसा नहीं समझ में आने वाले बकरे। और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के भी है। हाँ दानिश भाई ये देखो, ये बकरा व्हाइट में वो बकरा देखो डॉटेड चितला कलर, एक मुंडा खड़ा मेवाती कलर में, हाँ ब्राउन फेस है, बाजू में एक मुंडा खड़ा, एक बर्बरी है इसमें, बहुत क्यूट बर्बरी है। बर्बरी को बाहर निकालो, लास्ट में उसका लास्ट में दिखाते हैं। तो चलेंगे दानिश भाई थोड़ा बाहर चलेंगे, देखते बकरे और 90 किलो का बकरा है माशाल्लाह। दानिश भाई जो ये इतने बकरे आपने उतारे, तो ये आपको लगता है रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी लोगों की? और मुमरा का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ भी मंडी लगती है और यहाँ पर भी खरीदार बहुत है माशाल्लाह। और मुमरा एक स्पॉट ऐसा है जो बीच में आता है सेंटर में, जहाँ पर न्यू बॉम्बे से लोग आते हैं, घाटकोपर साइड से भी लोग आते हैं, थाने साइड से लोग आते हैं, भिवंडी से लोग आते हैं, तो मुमरा एक सेंटर में है जहाँ से आजू बाजू के भी लोग आते हैं, कल्याण से भी लोग आते हैं। तो और माशाल्लाह हम लोगों के ज्यादातर कस्टमर बॉम्बे से और जोगेश्वरी से, जैसे कि मैं बताया आते हैं, और आज भी आप देखोगे कि जोगेश्वरी वाले लोगों को बहुत पसंद है जी माशाल्लाह। तो बस ये ऐसा है कि लोगों से एक व्यवहार अच्छा है हमारा, रिलेशन अच्छा है, जो एक बार हमारे यहाँ से परचेसिंग करता है वो हर साल आता है माशाल्लाह। ये बकरा भी सामने देख सकते हो, ये वाला वो कितना बड़ा बकरा है, पीछे वही मक्का चीना जो कलर में, वाह। तो दानिश भाई इसको आप सेपरेट करोगे ये सब बकरों को? जी अभी इन लोगों को हम लोग ना आज रात को बैठ के सेपरेट, एक्चुअली ये माल कल रात में पहुंचने का था, दो दिन पहले जो माल आ गया था उसके बाद का माल कल रात में पहुंचना था, बट लेट हो गया तो आज सुबह में पहुंचा, और सुबह से क्राउड इतना हो गया कि हम लोग ये कर नहीं पाए। तो इंशाल्लाह जो भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोग इस पे फोन पे बात करके मतलब नहीं है, दानिश भाई का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, लेकिन आप लोग पर्सनली आए देखिए बकरा, पसंद करें, चूज करें, वो देखो दानिश भाई, हाँ ये बर्बरी बच्चा है। अरे वाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है, देसी बच्चा है दानिश भाई, फुल बहुत प्यारा देसी बच्चा। अरे वाह चार दांत के लिए माशाल्लाह, ये बकरा निकालो भाई, ये वाला बकरा निकालो बड़ा वाला, लेंथ काफी अच्छी है दानिश भाई, सब बड़े बड़े मोटी हड्डी, मोटी हड्डी के बच्चा माशाल्लाह। ये कितने दांत पे वैसे? चार दांत पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, करीबन 38-39 हाइट होगी इसकी, लेंथ कलर ये है दानिश भाई,
इसकी स्किन वगैरह भी काफी घोड़े की स्किन है राइस भाई, चमकदार है बच्चा माशाल्लाह वाह। हाँ भरा हुआ है इंशाल्लाह, जो लेता है अगर पालने की नियत से लेता दो दांत पे, वाह दो दांत पे 38 की हाइट होगी दानिश भाई, 38-39 हाइट होगी, 38 हाइट होगी और बढ़ेगा दानिश भाई अभी तो इंशाल्लाह। कोई पालने के लिए लेता है तो आप लोग ये बकरा ऐसे ले सकते हैं, खस्सी के शौकीन लोग इंशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही दानिश भाई और मजा भी आएगा दानिश भाई को और लोगों को भी। एक्चुअली मैं एक और अच्छा हुआ याद दिलाया आपने, कुछ लोगों को एड्रेस के लिए कंफ्यूजन हो रहा है जी, तो कैसा आना है हमारे फार्म पे मैं आप लोगों को बता दूं। आप मुमरा आओगे तो मुमरा में एक खरड़ी गांव करके जगह है ठीक है, खरड़ी गांव में आपको आना है, मन्नत हॉल किसी को भी पूछना है, मन्नत हॉल के एग्जैक्ट सामने टर्फ है क्रिकेट जहां खेलने का, वो क्रिकेट टर्फ से लग के हमारा फार्म है। और अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि ट्रेन से आप उतरोगे तो खरड़ी के लिए रिक्शा मिलती है पर्टिकुलर, हाँ स्टेशन से खरड़ी के लिए ऑटो मिलती है, वो आपको खरड़ी के नाके पे छोड़ेगा, हाँ, मतलब कोई ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसको 5 मिनट सीधा ही सीधा आना है, सीधा सीधा लेफ्ट में फार्म आ जाएगा, लेफ्ट में फार्म है बाहर, बोर्ड भी लगे हैं बाहर अभी, तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग पसंद करके लेके जाएंगे माशाल्लाह सब बकरे इंशाल्लाह, लौट आते रहेगा दानिश भाई। हम लोग नंबर डालेंगे लेकिन नंबर के साथ में ये भी बोलेंगे कि आप लोग आओ विजिट करो, पर्सनली बकरा चूज करो, पर्सनली विजिट करो। क्या होता है कि सीजन के टाइम पे फोन पे अगर आप सौदा करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं, तो आप एक बार सामने आओ, बकरा पसंद करो, आटा करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो इंशाल्लाह। तो दानिश भाई ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं जी, ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।